नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा स्वयं नगर पुलिस उपाध्यक्षक, पुलिस निरीक्षक यातायात, थाना अध्यक्ष कोतवाली, रामपुर सिविल लाइन्स, देल्हा, विष्णुपद थाना तथा 100 की संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ गया शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। जनता में विश्वास की भावना बढ़ाने, असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय बनाए रखने, अपराधियों पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कोतवाली थाना क्षेत्र होते हुए स्टेशन रोड, नगर यातायात थाना, काशीनाथ मोड़, गांधी मैदान, मिर्जा गालिब रोड, रामपुर थाना क्षेत्र, गेवाल बिघा, पीर मंसूर और गया शहर के विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता में सुरक्षा तथा अपराधियों में भय बनाया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी घाटों पर प्रतिनियुक्ति की गई है और आज क्योंकि खरना का दिन है तो बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ कल से देखा जा रहा है। इसको लेकर के जो गया शहर के जो मार्केट एरिया है उसमें आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है ताकि इससे जो आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना जागृत हो और असामाजिक तत्वों में भय पैदा हो और साथ में यातायात संधारण को भी देखा जा रहा है जो कि बिल्कुल अभी सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि छठ पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न होगा और मैं पुनः आप सभी लोगों के माध्यम से छठ पर्व की सभी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के करीब 3,000 पुलिस पदाधिकारी और बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं और ड्रोन का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम भी है और हमारा मुख्य जो इसमें उद्देश्य है कि ट्रैफिक बिल्कुल संचालित रहे और साथ में जो भीड़ काफ़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा होंगे तो बिना किसी घटना के, दुर्घटना के वो शांतिपूर्वक माहौल में अपना वो पर्व अच्छे से संपन्न करें। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।